हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में स्वागत है। देखिए जी, सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 6:30। तो अभी जो है हम नहा लिए हैं और पूजा भी हमने कर ली है। तो ये देखिए अभी सो रहे हैं बच्चे की तरह। और अर्णिका जो है काफ़ी टाइम हो गए उठ रही थी, वो पापा के पास चली गई है क्योंकि उसे पापा की आवाज़ सुन गई थी ना, तो एकदम से उठ गई वो। तो कम से कम 1 घंटा हो गया से नीचे नीचे गए पापा के पास, और इन्हें मैं बोल रही कि उठ जाओ, अभी हमें जाना है फिर भूमिया पे, जो भूमिया खेड़ा होता है ना वहाँ पे। तो जी वहाँ पे हमें करनी है पूजा, और पूजा के लिए हमें बनाने हैं चीलरे, मीठा चीलरे। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा होती है, जो चीलरे बनाते हैं उसी का भोग लगता है। तो जी उठ जाओ आप, देखो मतलब कि जबरदस्ती उठाने पड़ रहे रात को इतना चड्डा लग, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था ना, और कूलर कूलर चला रखा था, पानी भी बंद कर दिया था उसका, मीडियम चला रखा था ये, और जी फिर भी इन्हें ठंड लगी। लेकिन जबरदस्ती उठाने पड़ रही, उठ जाओ और पापा से पूछ लो कि नाश्ते में क्या खाओगे। और जी चीलरे बनाने हैं, पापा से पूछेंगे कि नाश्ते में क्या खाएंगे, तो वही बना देंगे उनके लिए। क्या बना रहे? चीलरे देसी तेल में। अब अपने गांव पर ही तो है सही। गजब सारा ने फोक दिया। ऐसे अच्छा लगा, कुरकुरे बन जाएंगे फिर। अच्छा जी, चलो कमाच लगा देंगे दूसरी नेक्स्ट टाइम है। चलो देखते हैं दूसरा क्या है बनेगा। ये तो पहला था, पहली बार ही बना रही है। नहीं बस बनाने नहीं थे, मेरे पास सीख रही बनाने सील के, क्योंकि मम्मी तो नहीं आना यहाँ से। हाँ ए, क्या कर रहे हैं? ऐसे ही बना रहे हैं, तो हाथ से तो फैलाने। ये दूसरा है। हाथ से फैलाने पड़ा, गर्म बस हो रहा है। अच्छा जी, बेहतर लगी हो। ऊपर भी फेरिस पे तेल पता हो, पक्षी जानवर कच्चा है ऊपर। और पता क्या है इसमें, ये मैंने सोचा डोसे के नाल फैला दूँ ये वाला, फिर हाथ से फैलाना पड़ा, क्योंकि डोसे का बैटर हुआ है जो, वो तो बढ़िया हुआ है, और ये तो आटा है बस। अब पलटो से सारे फैला दो तेल अच्छी तरह, बस बस पलट दो। आप तो ऐसे कर रहे बीच में, फिर तो सीखना चाहिए ना। अरे ये देखो जी, मीठा डोसा डोसा बन गया, मीठा छील रहा है और डोसा डोसे की तरह फैलाना पड़ रहा, तो समझो डोसे ये वाली फीलिंग ले लो। सब चीज डोसा ही दिखे तुझे, ये खाते खाते सोच लिया कि हम डोसा खा रहे हैं। कुरकुरे से बड़े लग रहे हैं, वैसे नरम से लग रही जैसे कच्चे हो। और जी पहले पूज के आएंगे और फिर आके खाएंगे। ज्यादा तेज बना हाथ, ये वाली उंगली देखो कैसी होगी लाल लाल। अभी 9 बज चुके हैं और हम हो चुके हैं रेडी। ये देखिए आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और जी तो ये भी तैयार हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं भूमिया पे पूजने के लिए, और फिर जाएंगे देवताओं पर, और फिर काटेंगे चेरी। एक मिस दो काज तीन का हो जाएंगे, साथ में और मैं भी जाऊंगी। मुझे बोल रही कि तेरे से चेरी काटनी नहीं आती, मैं बोल रही कि चलो दो गड्ढी आप काटोगे, एक तो मैं भी काट ही दूंगी। तो चलिए जी अभी चलते हैं, अर्णिका जो है पीछे सो रही है, और जो सारा काम है वो आकर करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा काफ़ी काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि भूख भी लग चुकी है, कुछ खाया पिया नहीं है अभी तक। और अर्णिका के पास लेटेंगे पापा आकर, हम पापा को भेज देंगे ऊपर। तो चलिए जी अभी चलते हैं, और सामान था जो पूजा का वो मैंने इसमें ले लिया है, कंडी में चीलरे ले लिए हैं, और घी बत्ती सिंदूर, और डब्बे में ले लिया है जल, दूध है इसमें, और जी पानी है यानी कि जल है। तो चलिए जी
चलते हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके थे यहाँ पे भूमिया पे और यहाँ पे सभी पूजा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक साल में एक बार पूजा होती है जो चिलरे बनाए जाते हैं। वैसे तो हर शनिवार को या संडे को यहाँ पे पूजा होती है, कोई कोई गांव में ऐसा होता है कि संडे को पूजा होती है। यहाँ पे हमारे गांव में संडे को होती है भूमिया की पूजा, वरना जो दिन है शनिवार का होता है भूमिया का। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए मैंने सभी जगह को पूजा कर दी है और दो दो चिलरे मैंने तीनों भूमिया के सामने रख दिए थे, यानी उनके उन्हें भोग लगा दिया था। और जी यहाँ पे मैं भूमिया के पैर नमस्कार रही हूँ और थोड़े हमारे यहाँ की इसी तरह की परंपरा होती है। तो जी हम जा रहे हैं खेत में, भूमिया से सीधे हम देवताओं पे जाएंगे। और अग्नि बस ये देख, मिस्टर रविपाल और अर्णी का घर ही है ना, तो इस वजह से थोड़ा सोचा कि वीडियो बना ली जाए अभी, क्योंकि बच्चे के साथ में तो बनता नहीं और प्रसाद हम हाथ में ले रहे और अभी रास्ते में भी कोई नहीं है तो वीडियो बना ले, वरना पल्ला करना पड़ता है ना। तो हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं हरियाली कितनी अच्छी हो रही है। बारिश हो रही है, देखो जी खेतों में बारिश हो रही है, घर गाँव में बारिश नहीं। हाँ और यही सी है बस, बाघ से थोड़े से हमको ही बारिश हुई। हाँ हमारी आ गई तो जी, खेत में बारिश हुई है और गांव में बिल्कुल भी नहीं। देखो कुदरत का करिश्मा कैसा होता है, ऐसा ही होता है। हाँ जी पूरा देखो, पानी पूरा भर रहा खेत में और जो बाघ साहब है ना रास्ते में वहाँ से पीछे पीछे बारिश नहीं हुई, यहाँ पे आगे आगे बारिश हुई। देखो वैसे ये नज़ारा देखना चाहिए, एक साइड में बारिश और एक साइड में बारिश नहीं, उसकी वीडियो बनानी चाहिए पता तो लगे कैसा लगे। तो जी आगे हम देवताओं पे अपने इधर लग रहा, बारिश देखो कितनी गिल्ले हो रही है एक भी। अभी जो है हम आ चुके हैं अपने देवी देवताओं पर और ये नाली है, पानी चल रहा है इससे। और ये देखिए यहाँ पर विराजमान है ये जामुन, तो खत्म हुई है जामुन तो नहीं आई, एक दिन लग रही है एक भी क्या हो है इस वाले पे आवे ही कहाँ जामुन, शायद ये जमोया है बाद में आएंगे। और ये आ गई है मैडम जिस साइड से, और ये कुआ था यहाँ पे, ये आट दिया है इन्होंने, भर दिया यानी कि इतना बैठ गया। देखो पानी आया होगा, पानी आया होगा, अभी तो एक दो साल तक ऐसे बैठेगा ये, मिट्टी बैठती चली जाएगी बैठती चली जाएगी। और चलिए पूजा प्रारंभ कर लेते हैं अपनी यहीं से, आ जाओ आप। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं देवताओं पर, हमने सोचा कि संडे है तो देवताओं पर पूजा करके आ जाते हैं। और जी हम अपने देवताओं पर वैसे तो आ जाते हैं संडे वाले दिन, जब भी आते हैं आपको दिखाते हैं। तो चिल्ड्रे हम इनके लिए भी अलग से बना के ले आए थे, जो भूमिया पूजा था वो अलग से थे और जी जो देवताओं के लिए थे वो भी हमने चिल्ड्रे चढ़ा दिया, क्योंकि मीठा है इसी तरह का भोग लगाया जाता है, प्रसाद लेते हैं। और जी यहाँ पर मैं और इसके पापा पूजा कर रहे हैं, फिर जाना है हमें खेत में, खेत में जो है हमें काटनी है चेरी। और आपको पता ही है किसान होते हैं जो इनका काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, आज हमें चेरी काटनी है और थोड़ी देर बाद फिर हमें ये करना है, खेत में दवाई डालनी है। आपको पता ही है जो गांव की लाइफ होती है कभी भी काम ख़त्म नहीं होते, वैसे तो शहर में होते हैं जो लोग मे भी अपने तरीके से जो अपना काम करते हैं उनके भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन गाँव में थोड़ा सा यही काम होता है कि खेत में आना जाना रोज़ की एक ही काम से होता है। और अभी जो है बस हम पूजा कर रहे हैं, कुछ इधर मैंने दीवे लगा दिए थे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी ना, तो इसी वजह से हमने सोचा कि। तो देखिए गाइस यहाँ पे लग चुके हैं चेरी काटने के लिए, एक दांती और आ गई है ये वाली मेरे लिए, मुझे टूटी सी दांती दे रखी जिससे कि काटना, और तीन घंटी काटनी ना है, तीन काटनी। चलो एक तो मैं भी काट दूँगी, दो आप काट लियो। तो चलिए जी अभी चेरी कटवा देती हूँ मैं इनके साथ में, थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं इनकी। ये नीचे तो मिला के काट, मिला के तो कटक रहा है, हैं किसी तो कटक रहा है, बस छक लिया इसे, सांस चढ़ लिया, दो दो मूठ काट तो ही सांस नहीं चढ़ और साड़ी पहन ले। अच्छा मैं तीन की तीन काट दूंगी, काट दूंगी इसमें, हैं तीन चल ठीक है आजा ले।
चलो स्टिक काट ले, एक दो मूठ जो भी कटते हैं। तो देखिए जी, ये होती है मेहनत और मेहनत का पसीना। तो एक गड्ढी इधर कट चुकी है, दूसरी उधर बांधने लग रही है। तो अभी बस एक इन्होंने कटी, एक मन ने कटी, तीसरे वाली जो है यहीं काटेंगे, क्योंकि मेरे पे साड़ी में बैठन जा रहा। और बस ये है कि मैंने इनके बराबर बराबर काट दी केरी, है ना। तो चलिए जी, अभी ये काटेंगे, मैं चढ़ा दूंगी इस पर और फिर चलते हैं घर बाइक पे। बुग्गी में आ जाएगा घास जो ये चेरी वाली है। घर में लगने लगी, जितना काम नहीं करा जितना नुकसान कर दिया। दंती पता नहीं कहाँ खोदी, अब उसे दंती को ढूंढना पड़ेगा। छोटी सी तो आई, पता नहीं कहाँ गई। गठड़ी उठा उठा कर देखनी पड़ेगी कहाँ सी। अगर जो गठड़ी में बंदगी होगी और जो मशीन में आ जाएगी, फिर देख दो कितने रुक के मिला गंडा में कटेगी जाके। चलो ढूंढेंगे उसकी, ढूंढाल करेंगे। पहले काट लो चेरी, आप कट गई, बस हो गई जी तीन गाड़ी। तो चलिए जी, अभी चलते हैं घर दंती ढूंढने के बाद। देखिए यहाँ पे ये लग चुके हैं काम में। काम में तो वैसे काफ़ी टाइम हो गया लग रहा है, लेकिन तीन गड्ढी चेरी कट चुकी है और अभी से रख देंगे बुग्गी में बस। और इधर ताऊ जर के रख देंगे एक साइड में घास। तो चलो चलिए चलते हैं घर, दाती मिल चुकी है। तो अभी चलते हैं घर, सामान ले लेते हैं अपनी कन्नी। कहाँ है गड्ढी? और जी तू जा, हम अगली गड़ी चलते हैं। ये हमारा खेत और ये इसका मुंडा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं घर। और जी 9 बजे गए थे हम और अभी 10:15 बजे हैं। और 10 बजे तक हमने चेरी वेरी काट दी थी, 1 घंटे में हमने पूजा भी कर ली। और जी क्योंकि बाइक पे थे ना, बस चेरी वेरी काट के आ चुके हैं। अभी जो है मुझे करना है काम। वैसे मैंने सोचा कि पहले सब्जी छोंक देती हूँ और फिर अपना और सारा काम कर लेंगे। तो चलिए जी, अभी बने रहिए हम वीडियो में एंड तक। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। मैं बना रही हूँ आलू और तोरी के छिलके सब्जी में। तोरी के छिलकों की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो कल तोरी बनाई थी ना, तो उन्हें उतार के मैंने फ्रिज में रख दिया था और अभी उनकी सब्जी बनाऊंगी। तो जी बस फिर अपनी चाय वाय तो हमने कुछ नहीं पी अभी तक, बस सीधा खाना खाएंगे अभी दोपहर के टाइम। और जी अर्निका जो है अभी सो ही रही है जब से, लेकिन पापा लेट गए इसके पास में। अक्षी मीसू आ चुके हैं दोनों इसके पास खेलने के लिए, पर ये सो रही है अभी। ये देखो जी। और किसके साथ गए थे तुम, भूमि पर गए थे? नहीं, माजी के साथ गए थे। भूमि पर गए थे या मंदिर में गए थे? मंदिर। अच्छा, मंदिर में गए थे जी। तो चलिए जी, अभी कर लेते हैं अपना काम।